हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूँ। आज हम लोग बात करना चाहते हैं सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी या फिर गर्दन की रीढ़ की हड्डी की स्पाइन सर्जरी के रिस्क के बारे में। तो देखिए, लोगों को काफ़ी सारे डर लगता है जब हम उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी और स्पेशली सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि गर्दन एक ऐसा कनेक्शन है जो आपके ब्रेन को कनेक्ट करता है और आपकी नोज और माउथ को कनेक्ट करता है अपनी बॉडी के साथ। तो सांस की नली भी यहीं से पास होती है, खाने की नली भी यहीं से पास होती है, बोलने की नली भी यहाँ से पास होती है और रीढ़ की नस भी यहाँ से पास होती है और बहुत सारी नर्व्स भी यहाँ से पास होती है। प्लस हार्ट से ब्रेन को ब्लड सप्लाई भी यहीं से ऊपर आती है। तो लोगों को लगता है कितनी खतरनाक जगह है और कैसे सर्जरी होगी, पर मैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी ज्यादा आसान और सिंपल है, ऑब्वियसली उन सर्जन्स के लिए जो ट्रेन हैं इसको करने के लिए, एज कंपेयर्ड टू लंबर स्पाइन सर्जरी। क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी स्पेशली जब उसको आगे से करते हैं तो उसमें ब्लड लॉस ज्यादातर बहुत कम होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट पेशेंट्स को दिए जा सकते हैं। सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप के माध्यम से की जाती है। आपके डॉक्टर आपको चेक करके ये बता सकते हैं कि कौन सी सर्जरी करने के लिए उनको कन्वीनियंट है और कौन सी सर्जरी करने में उनको कंफर्टेबल है। तो एंडोस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों से ही सर्जरी की जा सकती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं। हाँ, पुराने जमाने में जब ये सर्जरी की जाती थी तब माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप नहीं होते थे तो नेकेड आई से इस सर्जरी को करना पड़ता था और जब आप डायरेक्टली आंख से इसको देखते हैं तो आपको नसें बहुत छोटी दिखाई देती है और इतने छोटे में नस को अच्छी तरह डीकंप्रेस कर पाना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। इसलिए माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप ने इस तकनीक में एक नया रेवोल्यूशन लेके आए और अब इसके रिजल्ट्स इतने ज्यादा अच्छे हो गए हैं कि लगभग सारे मरीज बहुत बढ़िया ठीक हो जाते हैं, कोई भी कंप्लेंट नहीं रहती और धीरे धीरे आराम मिल जाता है। तो यदि आपको सर्वाइकल डिस्क, सर्वाइकल स्टेनोसिस या इस तरह की कोई भी परेशानी है तो आप सर्जरी से बिल्कुल भी ना घबराएं, आप अपने स्पाइन सर्जन से मिलें और इसका इलाज जरूर करवाएं। यदि आप अपना इलाज हमसे करवाना चाहते हैं या हमसे जानकारी लेना चाहते हैं इलाज के बारे में तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट जानकारी मिले, जल्दी से जल्दी मिले और मैं कभी कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं खुद भी कोशिश करता हूँ अपने पेशेंट से बात करने की। तो आप बेझिझक होकर अपना इलाज करवाएं, जरूरी नहीं कि आपको सर्जरी की ही जरूरत पड़ेगी, पर आप अपने डॉक्टर की सलाह को मानें और बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें। मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप जल्दी ही ठीक होंगे। धन्यवाद।